बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ ग्रीन लाइफ अमृत जीवन जन कल्याण ट्रस्ट और किसान विकास ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से झरिया के जेलगुड़ा स्थित टाटा स्टेडियम के समीप लगे वायु प्रदूषण मापक यंत्र के समीप प्रदर्शन किया और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण मापक यंत्र लगाने की मांग की ताकि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का क्या स्तर है इसकी जाँच की जा सके। वहीं जेलगुड़ा स्थित बंद पड़े वायु प्रदूषण मापक यंत्र को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की। मौके पर आए विभिन्न संगठनों के लोगों ने कहा कि झरिया सहित कोयलांचल में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। इसके बचाव के लिए बढ़ते प्रदूषण को कम करने की दिशा में पहल करने की ज़रूरत है। देखिए, आज जेलगुड़ा स्थित टाटा स्टेडियम के पास में जहाँ वायु प्रदूषण मापक यंत्र लगा हुआ है वहाँ पर हम लोग आज प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। झरिया सबसे देश का सबसे प्रदूषित शहर है और यहाँ का जो स्थिति है प्रदूषण की स्थिति है बहुत ख़राब है। यहाँ जो आज के 4 साल पहले जो ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जो घोषित किया गया था सबसे प्रदूषित शहर, उससे भी स्थिति आज काफ़ी बिगड़ गई है। और यहाँ जो हम लोग का जो आज का मांग है कि जो मॉनिटर लगा हुआ है एयर क्वालिटी चेक मॉनिटर लगा हुआ है यह झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाए जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है झरिया के आसपास में ऐसा मॉनिटर लगाया जाए ताकि पता चले कि यहाँ स्थिति क्या है। सवाल यह है कि अगर किसी बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं होगा तो उसका इलाज कैसे संभव है। तो अब पता चले कि यहाँ की स्थिति क्या है। आज वर्षों से यह मॉनिटर बंद पड़ा हुआ है, इसके देखने वाला कोई नहीं है, लापरवाही की हद है और इसको ठीक किया जाए और ऐसा मॉनिटर जगह जगह लगाया जाए। डॉक्टर मनोज सिंह, ग्रीन लाइफ झरिया। हम लोग प्रदूषण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लंबा 20 सालों से और आगे भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसी के क्रम में आज झरिया में हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम पूरा जिला में करेंगे। अभी प्रदूषण के लिए देख रहे हैं धनबाद जिला ही नहीं, झारखंड नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है। बस पहुंच ही रहे हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। अब देख ही रहे हैं सब लोग एक हो रहे हैं पूरा वर्ल्ड। कहीं गर्मी में बारिश में गर्मी हो जा रहा है। मौसम देख ही रहे हैं 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है। क्या कारण है? प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। टोटल जितना धनबाद शहर में देख रहे हैं पूरा वृक्षारोपण जितना था सब काट करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है। मांग हम लोग कही है कि जो कल कारखाना है उसको प्रदूषण से रोका जाए। कम से कम जो माप तौल है लोग का, जो प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करें। ये लोग कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। केवल बीसेल हो चाहे टाटा हो, ये लोग बोलते हैं हम लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। खुलेआम कोयला चला जा रहा है, न ढक के ले जाता है गाड़ी में कोयला को, देखते हैं आउटसोर्सिंग वाला कोई माप तोल नहीं कर रहा है ये लोग। इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग अभी पिछले महीना ही प्रोग्राम किए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट का वकील आए थे, जल्दी हम लोग PIL करने जा रहे हैं। मखदेश कुमार, किसान विकास ट्रस्ट, जन कल्याण ट्रस्ट से है। और पॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पर हो रहा है। हम लोग पहले भी यहाँ पर आए, पैरामीटर को चेक करके गए थे और जो हमारा ये पॉल्यूशन को लेकर के हुआ यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को हम लोग आउटफिट लिए, अगल बगल के लोगों से भी बात किए, उसमें बताया गया कि ये मशीन चल नहीं रहा है और बहुत दिनों से नहीं चल रहा है। जबकि यहाँ पर हमारे पूरे धनबाद क्षेत्र में और झरिया क्षेत्र के पॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो वर्ल्ड में अभी, मतलब अगर इंडिया लेवल पर बात करें तो ये पहला स्थान है पॉल्यूशन के मामले में। आज झरिया पहला रैंक पे आ रहा है, जिसमें कि हम लोग ये पहले भी मुद्दा उठा चुके हैं पॉल्यूशन को लेकर के, और ये बहुत बार उठा भी रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे। क्योंकि हम लोग का इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि इस पॉल्यूशन को लेकर के आए दिन हमारे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है, बड़ों में, बुजुर्गों में प्रॉब्लम हो रही है। आपका 18 साल के बच्चों को BP, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, अभी आम घरों की समस्या हो चुकी है। और धूल मिट्टी तो हम लोग सिगरेट पिए अथवा ना पिए, लेकिन 10 सिगरेट का धुआँ हम लोग अपने अंदर सांस में ज़रूर लेते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है। तो ये सारा चीज़ कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि इसका ना सुनवाई ना BCCL कर रहे हैं, ना नगर निगम कर रहे हैं, ना और कोई कर रहे हैं। तो आखिर कोई ना कोई तो इसका कदम उठाना ही पड़ेगा, जिसको लेकर के हम लोग सारे NGO मिल करके, जैसे अमृत जीवन जन कल्याण ट्रस्ट, किसान विकास ट्रस्ट, हम लोग सब मिल करके कर रहे हैं। तो उस काम को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर लोग जो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं वो बीमारियों से दूर जाए
और बाकी बात इस तरीके का जो मॉनिटर है जो बंद पड़ा हुआ है हमारे झरिया धनबाद पूरे क्षेत्र में मॉनिटर हर एरिया में लगना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा एयर क्वालिटी तो अच्छा हो, हम लोग सांस तो अच्छा ले सकें, इसको लेकर के कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे।